हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कमांड का ऑटोकैड में यूज कैसे करते हैं, ऑटोकैड में टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल का यूज हम कुछ पर्टिकुलर्स लिखने के लिए करते हैं, जैसे हमको सिंबल्स होता है उसका लेजेंड सिंबल बना देते हैं और फिर उसका जो सिंबल है वो किसके लिए है वो उसमें राइटअप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो टेबल है वो हम ऑटोकैड में बनाते हैं। अगर कोई भी ड्राइंग है उसके लिए कोई भी टेबल बनाना है हमको, तो वो कैसे बनाना है ऑटोकैड में, उसके लिए सीधा एक ऑटोकैड का शॉर्टकट कमांड होता है। आपको अलग से लाइन कमांड से आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि टेबल कमांड कैसे काम करता है और उसको हम कैसे बनाते हैं ऑटोकैड में। तो टेबल कमांड के लिए ऑटोकैड का शॉर्टकट की है TB, T और B। ये हम कीबोर्ड से टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक नया इंसर्ट टेबल का एक विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई फील्ड डेटा है तो वहां से इसको ले सकते हैं, या तो एक स्टार्ट है स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, ये तो एम्प्टी टेबल में हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दो इंसर्शन बिहेवियर मिल जाता है, एक स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट और दूसरा है स्पेसिफाई विंडो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट जो है वो क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कॉलम और डाटा रोस होता है, उसकी सेटिंग के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको कॉलम कितने नंबर का चाहिए वो यहाँ पे डेटा फिल कर देंगे। मान लो कि मैंने 6 फिल कर दिया, और कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए वो पूछ रहा है, तो हम मान लो इसको 4 इंच कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं डाटा का जो रोस है वो कितना होना चाहिए ये बोल रहा है, तो ये हम इसको 8 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं सेल्स के, तो इसमें जो फर्स्ट रो का सेल स्टाइल है उसको कैसे रखना है, हमको डाटा के लिए रखना है, हेडर के लिए रखना है या टाइटल के लिए। तो मान लो जो फर्स्ट रो है उसका सेल टाइप मैं टाइटल ही रहने देता हूँ, सेकंड रो हेडर के लिए रख लेते हैं, उसके बाद जो नीचे के जो रोस आएंगे वो डाटा के लिए रखते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉलम बनाते हैं, ये टेबल बनाएंगे, तो जो डाटा रोज लिखा है 8 और यहाँ पे हेडर और टाइटल मिला के हमारा 10, तो 10 रोज हमको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ये सब फिल करने के बाद आपको ओके करना है, और जैसे ही आप देखेंगे कि आपको एक टेबल ऑटोमेटिकली ब्लैंक टेबल आपको मिल जाएगा, और इसको हमारे सरफेस पे हमारे वर्किंग स्पेस पे हम उसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक टेबल बन गया है, जहाँ पे हमने जो इनपुट दिया था 1 2 3 4 5 6 6 रोस का 6 कॉलम वाला हमने दिया था एक टेबल। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, ए से लेके ABCDEF ये 6 हमारे डाटा के कॉलम हो गए हैं, और हमारा टोटल 10 रोस आपको मिला है। यहाँ पे पहला रो जो है हमारे टाइटल के लिए है, और दूसरा रोस हमारे हेडर के लिए है, उसके बाद जो 8 जो बचे वो हमारे डाटा एंट्री करने के लिए रोस मिल जाते हैं। तो 2 ऑटोमेटिकली हमको पहले से मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर इसको हमको फिल करना है तो हमको क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जिस भी टेबल में, जिस भी बॉक्स में आपको एंट्री या टेक्स्ट लिखना है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको हम एंट्री फिल कर देते हैं। जैसे मैं टाइटल वाले को पहले सेलेक्ट करता हूँ, ये ऐसा सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि अब ये जो टाइटल वाला जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया है। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए ऐसा कर्सर आ जाएगा और ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ राइटअप। ये मैंने लिख दिया, आप इसको चाहे तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप एक ये देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे डाटा फिल करते हैं, ठीक है, और अगर टेक्स्ट आपका ज्यादा बड़ा होता है आपके बॉक्स से, तो वो ऑटोमेटिकली जो रोस है उसका हाइट जो है वो चेंज कर देता है। हमने क्योंकि रो के लिए कोई हाइट ऐसा स्पेसिफिक नहीं डाला था, तो ये रो का ऑटोमेटिकली ले लेता है। इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1 कर देता हूँ,
और ऐसा हम देख सकते हैं। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसको, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। इस टाइप से आप कोई सा भी डाटा फिल कर सकते हैं आप इस पे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मली आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे डाटा फिल कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे अगर कुछ डाटा फिल करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए और उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए। मान लो ये ऊपर वाला बॉक्स मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू कर देता है। तो मैंने 1 लिख दिया, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ऐसा सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पे डेटा फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से कैसा भी आप डाटा फिल करके आपको जैसा चाहिए वैसा आप ऑटोकैड में आप बना सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको अगर आपको स्ट्रेच करना है या इसका साइज को कम करना है तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड जो है आपका एरो टाइप का जो दिख रहा है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही उसको इधर अंदर की ओर करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली वो कॉलम्स को अपने तरफ से ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर देगा। उसी सभी मतलब सेम साइज के ही रहेंगे। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप। यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप टेबल को मूव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये मूव ले लेता है। लेफ्ट कॉर्नर से आप उसको मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑटो कैड में एक टेबल को बना सकते हैं और उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा जो ऑप्शन था वो किस तरीका होता है। टीबी एंटर करने के बाद ये मैं स्पेसिफाई विंडो का ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम मैंने 5 ले लिया चलो, और डेटा रोज को भी मैं 10 कर देता हूँ और ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे सरफेस पे एक पॉइंट लेना है सबसे पहले, और आप जितना चाहे उसके विड्थ को, मतलब हमने फिक्स नहीं किया अभी कॉलम के विड्थ को, तो यहाँ पे हम ना ही हमने रोज के विड्थ को फिक्स किया। तो आप ऐसा जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको जितने साइज का आपको चाहिए वो ऐसा टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये आ गया आपका टेबल। यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जो मुझे लिखना है, डेटा फिल करना है, वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से ओके कर दिए। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से हो गया। इसको आपको एडिट करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ से इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप इस पे डाटा भी फिल कर सकते हैं और कुछ भी बॉक्स को जो भी लिखा है उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जहां भी सेलेक्ट करेंगे, एक बार सबसे पहले आपको एक बार टेबल सेलेक्ट करना है, एक बार आपको टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद जिस बॉक्स को आपको एडिट करना है, जिस बॉक्स में एंट्री फिल करना है, उस बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पे टाइप कर दीजिए। ये मैंने टाइप कर दिया तो यहाँ पे ये डेटा फिल हो गया। यहाँ पे जो है अभी टेक्स्ट छोटा है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया और यहाँ से उसको टेक्स्ट को बढ़ा सकते हो आप, जैसा आपको मिडिल में रखना है आप वैसा भी कर सकते हो। ये ओके कर दिए दोस्तों। इस हिसाब से आप टेबल जो है ऑटोकैड में क्रिएट कर सकते हो और उसमें डेटा फिल कर सकते हो। उसके दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, एक तो स्पेसिफाई विंडो वाला ऑप्शन होता है, एक और स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट से होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आगे के लिए आप मेरा आई एम ऑटोकैड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।